हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठहर सीबीगंज बरेली में। देखिए, हम आपके लिए आज टॉपिक बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है ये आपके लिए शंकु। देखिए, इसको इंग्लिश में कौन कहते हैं और इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि शंकु कैसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है तो हम आपके लिए बता दें कि अगर कोई भी एक राइट एंगल त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज है, देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज ले लेंगे। ये हमने बना दिया समकोण त्रिभुज। क्या है ये? समकोण त्रिभुज। ये जो समकोण त्रिभुज है इससे बनाते हैं। अगर कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज है तो उससे हम शंकु का निर्माण करते हैं। अब आप ये सपोज करिए कि ये जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसको अगर हम घुमाएंगे, कैसे? इस तरीके से घुमाएंगे चारों तरफ। तो अगर हम इसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो ये आपके लिए फिगर बन जाएगा। कैसा? इस तरीके से, देखिए, इस तरीके से आपके लिए फिगर बनेगा। यहाँ पर इस तरीके से ये फिगर कुछ तैयार हो गया आपके लिए। ये शंकु टाइप का बनेगा ऐसे, क्योंकि आपने राइट एंगल को घुमाया है, और ये जो राइट एंगल को घुमाया आपने तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा। देखो आप, राइट एंगल ऐसे ही है, तो ये जो राइट एंगल है वही है, और इसको आपने चारों तरफ घुमा दिया तो ये इस तरीके से ये बन गया। और हाँ, यहाँ पर देखेंगे आप लिए, ये था ये समकोण त्रिभुज, ये था। तो जब ये था और इसको हमने रोटेट किया, इसको चारों तरफ जब घुमाया तो ये बना ऐसा, और ये बना शंकु। क्या बना? शंकु, यानी कोण बन गया। अब ये शंकु बन गया आपके लिए। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, पहले इसको जान लेते हैं। तो पहले हमने ये जाना कि हम किससे बनाते हैं, समकोण त्रिभुज से बनाते हैं। और जब समकोण त्रिभुज से इसको बनाते हैं तो ये ऐसा रोटेट करने पर हमें शंकु प्राप्त होता है। शंकु की बहुत सारी क्वांटिटीज है, उनके बारे में जानते हैं। देखिए, हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसको बनाएं फिर से दोबारा, तो इस तरीके से हम अच्छा सा बना लेंगे। ये बना लिया हमने। अब यहाँ पर समझते हैं। देखिए, इसमें हम दो चीजों को जानेंगे। सबसे पहले इसके पृष्ठ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? पृष्ठ के बारे में। तो इसमें दो पृष्ठ होते हैं। नंबर एक जो पृष्ठ होता है वो कर्व्ड होता है। कैसा होता है? कर्व्ड, यानी वक्र पृष्ठ। एक होता है आपके लिए वक्र पृष्ठ। क्या होता है? वक्र पृष्ठ। ये होता है ऊपर वाला, जो ऐसे घुमा हुआ होता है इस तरीके से। और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है? वो समतल सतह होती है। क्या होती है? समतल। दो पृष्ठ होते हैं इसमें, वक्र पृष्ठ और समतल पृष्ठ। तो दो पृष्ठों से हम यहां पर इनको निकालेंगे। सबसे पहले वक्र पृष्ठ, उसके बाद समतल पृष्ठ। देखिए, इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां पर बताते हैं कि इसकी जो यहां से यहां तक त्रिज्या होगी वो r होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी वो h होगी, और इसकी जो तिरछी ऊंचाई है उसको मानते हैं l से। किससे मानते हैं? l से। अब देखिए, ये जो तिरछी ऊंचाई है l, ये और ये r है आधार की त्रिज्या, और ये जो हो गया आपके लिए h ऊंचाई हो गई। अब आप एक बात समझिए कि अगर हमें इसका वक्र प्रश्न निकालना है, तो वक्र प्रश्न निकालने के लिए हम यहां पर लिख देते हैं शंकु का वक्र प्रश्न। शंकु का वक्र प्रश्न, ध्यान से सुनना, शंकु का वक्र प्रश्न होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब ये जो पाई आर एल है, इसको समझेंगे कि पाई आर एल तो है, लेकिन एल कहां से निकालेंगे? L भी तो निकालेंगे। तो L कैसे निकालेंगे इसको समझा देते हैं। अब देखिए, इतना चित्र देखो, ये आधा चित्र देखो, ये क्या है? ये आपके लिए समकोण है। क्या है ये? ये समकोण त्रिभुज है। यही तो है समकोण त्रिभुज। अब इस हिसाब से अगर मैं इसको L निकालूं, क्या निकालूं? इसको अलग बना दे रहा हूं। ये जो बना था पहले, ये जो आपका बना था, इसमें आप समझिए कि ये वही है, ये समकोण त्रिभुज है। तो आप L निकालोगे तो L बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। तो मैं यहां पर L निकालूंगा, L बराबर, देखो ये हो गया कर्ण। क्या हो गया? ये कर्ण हो गया। तो जब हम कर्ण को निकालेंगे, यानी L को निकालेंगे, तो रूट के अंदर हो जाएगा आधार का वर्ग, यानी R का स्क्वायर, और प्लस H, H मतलब हाइट है, ये जो लंब है, लंब, तो इसका स्क्वायर, L का स्क्वायर। यानी L बराबर हो गया आपके लिए यहां पर H होगा, यहां पर H स्क्वायर। तो L बराबर हो गया रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी H ये हाइट लंब है और ये आधार है, उसका जो सम होगा वो L के बराबर होगा, यानी L जो है वो कर्ण है। तो ये हम L का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। L का मान हमने निकाल लिया बराबर में रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बात समझ में आ गई?
अब इतनी बात समझ में आ गई, एल का मान आ गया, तो एल का मान हम अलग से निकाल करके यहां पर रख दिया करेंगे, तो ये हमारे पास शंकु का वक्र प्रश्न आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी शंकु का वक्र प्रश्न। अब हम आपके लिए समझाते हैं शंकु का संपूर्ण प्रश्न, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं समतल का प्रश्न। तो देखिए समतल का प्रश्न लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे समतल का प्रश्न। अब बताइए बच्चों समतल का प्रश्न कैसे निकालेंगे, जानते हो यहां पर जो शंकु बनाया है, जैसे आपने बहुत से एग्जाम्पल इसमें पढ़ सकते हैं, जैसे आप बर्थडे कैप लाते हो वो भी शंकु के आकार होती है, और जो बहुत सारी आइसक्रीम्स वगैरह होती हैं वो भी शंकु के आकार की होती हैं। अब अगर हम ये मान के चलें कि ये जो नीचे का प्रश्न है वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, कैसा होगा वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यही निकालना पड़ेगा। जो समतल का प्रश्न होगा वो कैसा होगा, वृत्त होगा, कैसा होगा वृत्त। और जब ये वृत्त होगा तो वृत्त का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहां पर जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होता है भाई साहब कितना, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, शंकु का जो वक्र प्रश्न हो गया वो हो गया पाई आर एल। अब हम निकालेंगे शंकु का संपूर्ण प्रश्न, फार्मूले निकालेंगे पहले। आप देखिए आप लिखेंगे शंकु का संपूर्ण प्रश्न, क्या लिखेंगे संपूर्ण प्रश्न, शंकु का संपूर्ण प्रश्न। तो संपूर्ण प्रश्न के लिए वक्र प्रश्न प्लस समतल का प्रश्न जोड़ देंगे, यानी हम लिखेंगे वक्र प्रश्न प्लस समतल का प्रश्न, समतल का प्रश्न। तो यहां पर आप जोड़ दीजिए इसको, देखो वक्र प्रश्न कितना आया पाई आर एल, पाई आर एल, और यहां पर आपके लिए प्लस आया कितना, तो यहां पर आप जोड़ दीजिए कितना पाई आर स्क्वायर, क्या जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर कॉमन ले लेंगे पाई आर, तो पाई आर जब हम कॉमन ले लेंगे, देखिए पाई आर हमने कॉमन ले लिया, अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ एल बचा और प्लस यहाँ पाई आर चला गया तो एक आर बचा, तो यानी हो गया आर, यानी हमारा जो शंकु का टोटल प्रश्न आया, टोटल सरफेस एरिया जो आया वो आया पाई आर एल प्लस आर, ये आया। बात समझ गए आप, टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल प्लस आर। अब देखिए यहां पर आपके लिए बताएंगे, ये हमने आपको बता दिए कि कैसे बता दिए कि समकोण त्रिभुज से शंकु बनता है, शंकु में दो प्रश्न होते हैं, एक वक्र प्रश्न होता है एक समतल प्रश्न होता है, वक्र प्रश्न का एरिया जो होता है वो शंकु का वक्र प्रश्न पाई आर एल होता है, इसमें जो समतल प्रश्न होता है उसका एरिया होता है वो वृत्त जैसा होता है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमने इनका शंकु का संपूर्ण प्रश्न निकाला तो दोनों को जोड़ दिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लिया बचा एल प्लस आर। बात समझ में आ गई इतनी। अब हमने इन आपको सबके सब फार्मूलों को बता दिया है, फार्मूला कितने हुए, फार्मूला नंबर वन ये हुआ शंकु का वक्र प्रश्न नंबर एक, फार्मूला नंबर एक, नंबर दो फार्मूला एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, नंबर तीन फार्मूला यहां पर जो आया आपके लिए वृत्त का क्षेत्रफल नंबर तीन, और चौथा फार्मूला आया आपके लिए टोटल सरफेस एरिया यानी पाई आर एल प्लस आर। अब हम इन पर कुछ फार्मूलों को कुछ सूत्रों को करेंगे, कुछ आपके को सवाल बताएंगे। तो सवाल देखिए इधर इधर देखिए, इसमें सवाल आपके लिए करवाएंगे यहां पर, कि पहला सवाल लेते हैं यहां पर, पहला सवाल क्या होगा बच्चों, एक बहुत ही सिंपल सवाल बताते हैं। अगर हमें एक शंकु दिया गया है, देखिए हम शंकु बना ले रहे हैं, ये मैंने बना लिया एक शंकु, अब इसके आधार की त्रिज्या अगर आपको दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो त्रिज्या आपके लिए दे रखी है यहां पर 4 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और आपके लिए जो ये कर्ण है यानी इसका जो L है वो दे रखा है आपके लिए 12 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अगर ऐसी कंडीशन में आपको शंकु का वक्र प्रश्न निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए भैया लिख लेते हैं शंकु का वक्र प्रश्न, क्या लिख लेते हैं शंकु का वक्र प्रश्न बराबर होता है पाई आर एल, क्लियर है पाई आर एल होता है। अब पाई का मान तो यहां पर रखेंगे नहीं, अभी पाई का मान ऐसे ही रखने दो, और आर का मान हो गया 4 सेंटीमीटर, ये आर है, और गुणे एल का मान हो गया 12, तो यहां पर ये गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48 और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया जाएगा, क्या जाएगा सेंटीमीटर, यानी 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब मान लो सपोज दैट कि यहां पर L ना दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है, अगर L नहीं दिया होगा, अब इसी क्वेश्चन को हम देखो मॉडिफाई यहां पर करते हैं, देखो हम फिर से एक त्रिभुज यहां पर बना रहे हैं शंकु,
और त्रिज्या इसकी कितनी है, चार है, तो मैं चार तो इसको मानूंगा ही मानूंगा अभी। और मान लो एल नहीं दी गई है, तो आपके लिए मैंने 3 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। क्या दे रखी है? हाइट। अब 4 और 3 का कॉम्बिनेशन है और आपको एल निकालना पड़ेगा पहले। तो एल का फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर निकाल लो आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी एल बराबर आ गया रूट के अंदर 4 का वर्ग कितना 16 और प्लस 3 का वर्ग कितना, तो 3 का वर्ग यहां पर हो जाएगा आपके लिए 9। तो 16 और 9 हो गया रूट के अंदर 25 और 25 का वर्ग मूल हो गया यहां पर 5, यानी एल बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। अब जब एल बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं इसका एरिया यानी वक्र प्रश्न निकाल लीजिए। तो वक्र प्रश्न लिखेंगे वक्र प्रश्न शंकु का, यहां पर इतनी बार लिख देंगे शंकु का वक्र प्रस्थ बराबर पाई आर एल। पाई का मान ऐसे ही रहने दो, आर का मान हमारे पास है कितना 4, तो और गुणे एल का मान है 5, तो यानी 5 चक्को कितना आ गया 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहां पर देखिए हमने दो सिचुएशन को लिया जिसमें आर और एल दिया गया था और इसमें एल नहीं दिया गया था, आपको आर और एच दिया गया था। इस आधार पर दो सवाल बन सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से शंकु के प्रश्न आते हैं और किस तरीके से यहाँ पर पूरे फार्मूले आपके लिए विधिवत रूप से बताए गए हैं। तो अगर इस टॉपिक को आप एक बार ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि शंकु कैसे बनता है, इसके कितने प्रश्न होते हैं, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, कितने फार्मूले होते हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस सब वीडियो में आप जान पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।